नमस्कार, जनसारथी न्यूज़ में आपका स्वागत है। सियासी हलचल में हम बात करेंगे प्रत्याशियों के प्रचार के साथ ही आरोप प्रत्यारोप की। विधानसभा प्रत्याशियों के नामांकन भरने का दौर तेज पकड़ता जा रहा है। पूर्व मंत्री और भाजपा की नेता माया सिंह ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से नॉमिनेशन दाखिल किया। उनके साथ इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष अभय चौधरी, सांसद विवेक शेजवलकर के साथ ही अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। नामांकन के बाद उन्होंने कहा कि इस बार चुनौतियां ज्यादा नहीं हैं, मैं अपने क्षेत्र की जनता और सभी को विश्वास में लेकर क्षेत्र के विकास के लिए जो भी काम बन सकेगा वो काम करने का प्रयास करूंगी। जो काम छूट गए थे उनको पूरा करने की कोशिश की जाएगी। मुन्नालाल गोयल के समर्थकों के महल में प्रदर्शन और नाराजगी पर उन्होंने कहा कि उनसे मेरी कोई नाराजगी नहीं है। देखिए, चुनौतियाँ तो कुछ नहीं है, लेकिन किस तरीके से चुनाव लड़ूंगी, मेरे क्षेत्र की जनता जो रहवासी हैं, वहाँ के लोग हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप सब लोग हो, सबसे चर्चा करके विचार करके क्षेत्र की, अपनी विधानसभा क्षेत्र की विकास के लिए जो भी काम बन सकता है वो पूरा का पूरा करूँगी। पिछले समय जो हमने काम किए थे और उसमें जो रह गए थे वो पूरे हुए कि नहीं हुए, और इसके साथ ही साथ आगे भी विकास की दृष्टि से और क्षेत्र की जनता क्या चाहती है, किस तरीके का, क्योंकि कभी कभी वो भी समय और वातावरण के अनुसार वो भी सोच भी बदलती है, तो जाती है, उस हिसाब से हम कदम आगे बढ़ाएंगे। आज नॉमिनेशन भर के बस अभी आ रही हूँ मैं, और बस सीधे काम पर लगना है। हम भी यही कह रहे हैं, हम तो अपने क्षेत्र के जितने भी मतदाता हैं, मेरे जितने भी परिवार है, वो मेरे अपने परिवार जैसा है, मैं उनके भावनाओं के और उनके इस ही हिसाब से मैं आज अभी खड़ी हुई हूँ, और उनसे आग्रह करूँगी अपने सारे परिवार के सदस्यों से, और जीतूँ नहीं, कोई नहीं, मैं मुन्ना लाल जी के घर बैठ के उनसे मिल के आई। मुन्ना लाल जी बहुत सहयोग नहीं, मैं कह रही हूँ ना, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और सहयोग करेंगे। मैं उनसे उनके घर में जाकर मिल के आई हूँ, ऐसा नहीं, ये तो बताना मुश्किल है, लेकिन जीतेंगे। सियासी हलचल में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।